अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मीशो बसन फ्रॉम एमडी कैट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। ये वीडियो आप स्टूडेंट्स की डिमांड पर बनाई जा रही है कि सर हमें हाई यील्ड चैप्टर्स बता दें जो कि यूएचएस एमडी कैट 2023 का पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं। तो ये हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बनाया है। इसी तरह अगर आप किसी भी प्रोविंस से हैं, अगर आप बलूचिस्तान से हैं, तो फिर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार कीजिएगा। हम आपको बुलान यूनिवर्सिटी का जो 2023 का पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपको 2023 के जो चैप्टर वाइज एनालिसिस है वो हम आपको बताएंगे। इसी तरह आपको जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह शहीद उल्फ़ार अली भुट्टो का भी जो पेपर हुआ था उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। जिस भी यूनिवर्सिटी का आप चाहिए आपने नीचे कमेंट करना है और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही बना दूंगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको सब्जेक्ट बताऊँगा और उसके साथ साथ यूनिट नेम बताऊँगा और उसके साथ नंबर ऑफ एमसीक्यूज। वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि mdcatwala.com हमारी एक वेबसाइट है, हमने आज ही न्यू लॉन्च की है आप स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप जो रिक्वायरमेंट्स हमें बार बार हमारे इनबॉक्स डीएम्स और व्हाट्सएप पर हमें बार बार मैसेज करते रहते हैं, सर हमें पास पेपर चाहिए या सर हमें एग्रीगेट कैलकुलेटर का नहीं पता, जो भी चीज़ें हैं आपको नहीं पता थी वो अब आपके लिए ईजी बना दी गई हैं। आपने करना क्या है, गूगल पर जाकर सर्च करना है mdcatwala.com। ये सर्च करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी जिसमें आपको mdcatwala.com पर आपको फ्री टेस्ट सेशन भी मिलेंगे, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। इसके साथ साथ आपको पास पेपर भी मिलेंगे। पास पेपर के अंदर हमने नम्स का जो पोर्शन है वो हमने ऐड कर दिया है। इसके लिए आपको पहले आकर क्या करना होगा, साइनअप करना होगा। साइनअप के अंदर आपको फुल नेम देना होगा, फ़ोन नंबर होगा, ये स्टूडेंट फोटो ऑप्शनल है, अगर दें तो ठीक है, नहीं है देना कोई मसला नहीं। मैट्रिक मार्क्स ऑब्टेंड और टोटल मार्क्स, FSC, इसी तरह आपने ईमेल और अपना पासवर्ड खुद जनरेट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और सिलेक्ट प्रोविंस और सिलेक्ट सिटी ये आपने करना है। इस तरह आप क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट साइनअप क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने आना है बैक टू लॉगिन, बैक टू लॉगिन पे आएंगे तो आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। जैसे ही अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आप वन टाइम लॉगिन करेंगे तो आप इसका जो पासवर्ड है वो अपने पास सेव रख लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आप नेक्स्ट टाइम अगर mdcatwala.com की वेबसाइट पर आते हैं तो आपको इंशाल्लाह हर चीज़ एक्सेस में मिलेगी जो भी आप चाहते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखा दूँ पास पेपर, पास पेपर के अंदर हमने अभी एडिशन की है नम्स की, नम्स के 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी यूनिट वाइज पास पेपर हैं हमने वो ऐड किए हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपने आकर इधर यूनिट वाइज जो MCQs हैं आपने विद इन टाइम सॉल्व करने हैं। लेट्स सपोज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, इसके आपके 50 मिनट्स हैं तो 50 मिनट्स के अंदर ही आपको सॉल्व करना होगा। तो आपने इसके आकर क्या करना है, अपने क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू जो PMDC का टाइम टेबल है उसके मुताबिक हो रही होगी, आपका टाइम भी काउंट होता रहेगा साथ साथ और इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आपको 2012 से लेकर 2023 तक क्या मिलेंगे, पास पेपर। इस तरह आप MDCAT वाला के पास पेपर के साथ साथ आप इसका एग्रीगेट कैलकुलेटर भी काउंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स 1100 या 1200 ऑप्शन दिया गया है। इस तरह FSC के भी दिया गया है आपको मैट्रिक टोटल मार्क्स 1100 या 1200 ऑप्शन, ये भी दिया गया है। मार्क्स ऑब्टेन इन MDCAT, अगर आपने MDCAT का कैलकुलेट करना है कि मेरिट कितना बनेगा तो आपने मार्क्स इधर अपने पुट कर देने हैं। अगर आप नम्स के लिए कर रहे हैं तो आपने 150 करने हैं, अगर आप MDCAT के लिए करना है तो आपने 200 मार्क्स कर देने हैं। बस ये करने आप अपना एग्रीगेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हाई यील्ड चैप्टर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा बायोलॉजी के जो PMDC का सिलेबस है उसमें 68 MCQs आते हैं। 200 में से 68 MCQs आपके बायोलॉजी का आए थे लास्ट ईयर और इस साल भी आपके कितने आएंगे, 68 MCQs आएंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको स्कीम प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि इस साल भी फॉलो हो, ये मैं आपको लास्ट ईयर के एनालिसिस के मुताबिक बता रहा हूँ ताकि आप इसके मुताबिक अपनी तैयारी कर सकें और हो सकता है वेरिएशन हो जाए, चेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन ये प्रोवाइड करने का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस का पता चल जाए। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, इसके 6 MCQs आए थे। इस तरह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के 7 MCQs आए थे। एंजाइम्स के में से 6 MCQs थे, रिप्रोडक्शन में से 6 MCQs थे, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में से 6 MCQs थे, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में 6 MCQs, प्रोबायोटिक्स में 6, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इसमें 6, जिसमें न्यूट्रिशन और गैसेज चेंज भी आपका इन्वॉल्व है। अच्छा, वायरसेज वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपके 5 MCQs आए थे, एवोल्यूशन में से 4 MCQs थे, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से आपके 4 MCQs थे और बायोएनर्जेटिक्स में से आपके 3 MCQs थे और जो एनिमिलिया है उसमें से आपके कितने थे, 3। तो ये आपको मैंने बायोलॉजी का एनालिसिस बता दिया है, यूनिट नेम भी और नंबर ऑफ MCQs। आप चाहे तो इसको लिख लें अपनी नोटबुक पर या अपनी बुक के ऊपर और इसके साथ अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फिजिक्स। फिजिक्स के भी आपके 54 MCQs आएंगे जिसमें आपके 13 यूनिट्स जो है ना PMDC के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो फोर्स एंड मोशन में से आपके लास्ट ईयर आए थे 6 MCQs, वर्क एंड एनर्जी में से 4 MCQs थे, सर्कुलर मोशन में से आपके 4 MCQs थे,
ऑसिलेशन एंड वेव्स में से आपके 7 एमसीक्यूज थे, थर्मोडायनेमिक्स में 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 7, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5, इलेक्ट्रॉनिक्स में से 1 एमसीक्यू आया था, और डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स था उसका 3 एमसीक्यू आया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में से 2 और न्यूक्लियर फिजिक्स में 3। अगर आप चाहते हैं कि आपको लास्ट ईयर के पेपर की आपको वीडियो डिस्कशन भी चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियो डिस्कशन भी है हर प्रोविंस के लिए बना देंगे, आपने जस्ट क्या करना है हमें कमेंट करना है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के हमारे 19 यूनिट्स हैं, इसमें 54 एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन हमने इधर 18 का आपको टेबल बना के दिया है, क्यों, इसमें सॉलिड और लिक्विड हमने कंबाइन कर दिया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या अपने बुक पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या अपने रजिस्टर पर लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट जो आपका पहला यूनिट है स्टोइकोमेट्री वाला, इसमें से 4 एमसीक्यूज थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 2, गैसेज में से 2, सॉलिड एंड लिक्विड में से 4 थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में से 3 थे, थर्मोडायनेमिक्स में आपके 2 थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 थे, केमिकल बॉन्डिंग, एक याद रखिएगा केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज, और इस तरह एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो होते हैं ना, इसके एमसीक्यूज आपस में मिक्स होते हैं, तो आपने इन दोनों चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। केमिकल बॉन्डिंग में से आपके 2, रिएक्शन कैनेटिक्स में से 2, एस एंड पी ब्लॉक में से 4, इसके साथ साथ आपके ट्रांजिशन एलिमेंट में से 4, अच्छा इस तरह फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें 5। अच्छा इसमें मैंने आपको पता क्या क्या है, जिसमें आपके इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, रिएजेंट्स जितने भी हैं उसके एमसीक्यूज में मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही कंबाइन कर दिए हैं। हालांकि अल्काइल हैलाइड हमारे जो एफएससी की बुक है उसके अंदर अल्काइल हैलाइड है, लेकिन आपके जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अंदर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के मुताबिक इसको 5 एमसीक्यूज इधर रख दिए हैं। हाइड्रोकार्बन में से आपके 6 एमसीक्यूज है, अल्काइल हैलाइड में से आपका 1 एमसीक्यूज था, अल्कोहल एंड फिनोल में से 3, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में से 3, कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपके 2 एमसीक्यूज थे, और मैक्रोमॉलिक्यूल में से 2। इस तरह ये आपके होते हैं 54। अच्छा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का केस में आपने खुद इवैल्यूएशन कर लेनी है कि किस चैप्टर से आने हैं, किस टॉपिक से आने हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के आपके 6 ही टॉपिक्स हैं तो ऑलमोस्ट 6 को ही टच करता है। इसी तरह आपके जो इंग्लिश है उसके 7 टॉपिक्स हैं तो वो ऑलमोस्ट 7 को ही टच करता है, जिसमें आपके वो स्पॉट दिया रहता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमने सारा कुछ जो इंग्लिश का सिलेबस है आपका पीएमडीसी का लास्ट ईयर वाला और इस साल वाला सेम है, आपने उसको फॉलो करना है। तो ये आप इस एक बार इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये बायोलॉजी के हैं, ये फिजिक्स के हैं, और ये हैं आपके केमिस्ट्री के। तो ये मैंने आपकी वैल्यूएशन करके बता दी। अगर नेक्स्ट किसी भी प्रोविंस के आपको चाहिए तो आपने क्या करना है, जस्ट एक कमेंट करना है यूट्यूब चैनल पर हमारे, तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के एनालिसिस यूनिट वाइज हम प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।